अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस एच होल स्क्वायर साइन a प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए बाई एच। इसमें टाइप 1 ट्रिग्नोमेट्रिक है। फॉर्म देखिए तो क्या है, h 0 रखिएगा तो a स्क्वायर साइन a माइनस a स्क्वायर साइन a, 0/0 फॉर्म है। इस प्रॉब्लम को भी एल हॉस्पिटल्स रूल से भी बनाया जा सकता है और विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल भी कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल अगर करते हैं तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब तक साइन जीरो या टेन जीरो फैक्टर के रूप में ना आए। वेरिएबल पहले से जीरो टेन करा तो कोई चेंज नहीं करा। इस होल स्क्वायर को तोड़िए, ए स्क्वायर 2ah प्लस एच स्क्वायर साइन ए प्लस एच माइनस ए स्क्वायर साइन ए डिवाइडेड बाई एच। अब यहां देखिए ये एच, इसको अगर रखेंगे तो एच कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसके साथ ये इसको हम इसके साथ किया और ये दो टर्म जो आ रहा इसको हम क्या कर रहे हैं, पहला टर्म लिख रहे हैं ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच और यहां से ए स्क्वायर साइन ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच और ए स्क्वायर साइन ए, ये दोनों एक साथ ले लें, ए स्क्वायर कॉमन, तो ये आ गया ऐसा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां क्या आ गया साइन ए प्लस एच माइनस साइन, और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस हम अलग कर देते हैं, ये क्या हो गया 2ah प्लस एच स्क्वायर इंटू साइन ए प्लस एच, ये अलग कर दिया, डिवाइडेड बाई एच है तो एच, यहां भी एच हमने डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए किया कि इसका लिमिट डायरेक्टली निकल जाएगा, एच कैंसिल कर देंगे तो निकल जाएगा। अब इसका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बैठाइए। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 तो ए प्लस 2h बाई 2, 2 कॉस सॉरी दिस इज साइन ए, दिस इज साइन ए, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 ए प्लस एच प्लस ए एच दैट इज 2a प्लस h बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 दिस माइनस दिस h बाई 2 डिवाइडेड बाय h, और इसमें तो h कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए, ये 2a प्लस h साइन a प्लस h डिवाइडेड बाय h, h टेंस टू 0, इसमें कैंसिल कर दीजिए और अब h 0 रख दीजिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट गया, और इसमें देखिए साइन 0 फैक्टर के रूप में आ गया तो साइन थीटा के जगह पर थीटा रख दीजिए, तो फाइनली देखिए क्या आया 2a स्क्वायर, और ये इसमें रख सकते हैं, हम यहां भी रख सकते हैं या लास्ट में रखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइन थीटा के जगह पर थीटा रख दिया, ये h, यहां क्या आ गया 2a और ये साइन a, फाइनली h विल कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या हो गया ए स्क्वायर एच जीरो रखिए कॉस ए प्लस 2a साइन a। इसी प्रॉब्लम को हम एल हॉस्पिटल्स रूल से बनाते हैं। फॉर्म है 0/0, 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल्स रूल यूज कर सकते हैं। यहां वेरिएबल h है, a कांस्टेंट है, h वेरिएबल, तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ये u इंटू v का फॉर्म है, तो पहले u का डेरिवेटिव a प्लस h के होल स्क्वायर का, पहले a प्लस h के रिस्पेक्ट में 2 टाइम्स a प्लस h हुआ और फिर a प्लस h का h के रिस्पेक्ट में a का 0 h का 1, a प्लस h के होल स्क्वायर का h के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, a प्लस एच के होल स्क्वायर का पहले a प्लस एच के रिस्पेक्ट में होगा जिसका पावर है उसी के 2 टाइम्स a प्लस एच और फिर a प्लस एच का a का 0 एच का 1, 0 प्लस 1 दैट इज 1, और v को एज इट इज छोड़ देंगे साइन a प्लस एच को, सेकेंड टाइम हम u को a प्लस एच होल स्क्वायर छोड़ देंगे
साइन ए प्लस एच का, साइन थीटा का पहले थीटा के रिस्पेक्ट में होता, साइन ए प्लस एच का ए प्लस एच के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस ए प्लस एच, और फिर ए प्लस एच का, ए का जीरो एच का वन, तो जीरो प्लस वन दैट इज वन, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो डिवाइडेड बाई एच का वन, ये बाई एल हॉस्पिटल्स रूल, बाई एल हॉस्पिटल्स रूल। अब रख दीजिए एच जीरो, ये टू ए साइन ए और ये ए स्क्वायर कॉस ए, यही इसका आंसर हो गया। तो जो मैं आपको आसान लगे उसको यूज कीजिए। पर आते हैं प्रॉब्लम नंबर एट, लिमिट x टेंस टू जीरो, x टेंड टू x माइनस टू एक्स टेन एक्स बाय वन माइनस कॉस टू एक्स होल स्क्वायर। ये टाइप वन का ट्रिग्नोमेट्रिक है, टाइप वन ट्रिग्नोमेट्रिक में हमने कहा था कि सबसे पहले वेरिएबल को जीरो टेंड कराना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, अगर x टेंस टू a है तो x के जगह पर a प्लस एच रख, यहां पहले से वेरिएबल जीरो टेंड कर रहा इसलिए कोई चेंज नहीं करेंगे। अब ये टेन हमारा एम क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे जब तक कि टेन जीरो या साइन जीरो फैक्टर के रूप में ना आ जाए। यहां टेन जीरो है लेकिन फैक्टर के रूप में नहीं है इसलिए सिंप्लीफाई करना होगा। ये फॉर्म क्या है, एक्स के जगह पर जीरो रख करके देख सकते हैं, जीरो बाई जीरो फॉर्म है। सिंप्लीफाई करना है तो टेन टू एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, टेन टू एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, टू टेन एक्स बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया टू एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस टू एक्स, टू साइन स्क्वायर एक्स होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में तो साइन जीरो आ गया फैक्टर, न्यूमरेटर में एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेने पर ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ये नीचे में भी लिख सकते हैं, एलसीएम यहां लिख दिया, ये तो फोर साइन फोर एक्स हो गया, और ये एलसीएम यहां मल्टीप्लाइड होगा तो होगा टू एक्स टेन एक्स माइनस टू एक्स टेन एक्स और ये वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये एलसीएम लिया यहां आ गया। ये टू एक्स टेन एक्स आप कॉमन ले सकते हैं तो टू एक्स टेन एक्स कॉमन ले लीजिए, ये टू एक्स टेन एक्स कॉमन ले लिया, क्या आ जाएगा यहां, यहां वन आएगा और यहां क्या आएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिनोमिनेटर में है, वन माइनस टेन स्क्वायर इसमें आप रख सकते हैं, एक्स जीरो रखने पर ये वन आएगा, नॉन जीरो जो है उसमें रखा जा सकता है, यहां पर रख सकते हैं हम, जो फैक्टर नॉन जीरो है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फैक्टर नॉन जीरो है उसमें आप वैल्यूज रखते जा सकते हैं। अब देखिए तो क्या आ गया, ये वन कैंसिल हो गया, टेन स्क्वायर एक्स तो टेन क्यूब एक्स, टू एक्स टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो हमने रख दिया है फोर साइन फोर एक्स, साइन जीरो आ गया, ये टेन जीरो आ गया साइन जीरो फैक्टर के रूप में, तो हमने क्या कहा था शॉर्टकट, टेन थीटा के जगह पर थीटा, तो टेन एक्स के जगह पर क्या रख दें, टेन एक्स के जगह पर एक्स रख दें, और क्यूब है तो क्यूब कर दिया, और यहां साइन थीटा के जगह साइन एक्स के जगह पर एक्स, अब पावर फोर है तो फोर कर दिया, ये कैंसिल हो गया एक्स फोर, आंसर आ गया वन बाई टू।